एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया था। शीर्ष अदालत ने एसबीआई को 6 मार्च 2024 तक इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने को कहा था। आपको बता दें, एसबीआई ही इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करती है। एसबीआई ने अपने सुप्रीम कोर्ट को दी गई अपनी अर्जी में कहा कि 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक विभिन्न पार्टियों को चंदे के लिए 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए गए हैं। बुनाए गए बॉन्ड को हर फेज के आखिर में अधिकृत ब्रांच द्वारा सील बंद लिफाफे में मुंबई स्थित मेन ब्रांच में जमा कर दिया जाता है। एसबीआई ने कहा कि दोनों सूचना साइलो की जानकारी इकट्ठा करने के लिए 44,434 सेंटों को डिकोड करना होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय 3 हफ्ते का समय पूरी प्रोसेस के लिए पर्याप्त नहीं है।